Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video we are going to do an English poem of class 3rd and name of the poem is What's in the Mailbox. बहुत ही छोटी सी पोएम है और काफ़ी कम क्वेश्चन आंसर्स है इसमें NCERT के, तो जल्दी से फटाफट कर लेते हैं. इसी वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर भी समझा दूंगी और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे एंड देन इसकी एक क्विज तैयार है, बिल्कुल आपको आज ही सेंड कर दी जाएगी, तो आप उस क्विज को भी अटेम्प्ट कर लेंगे और देखेंगे कि आपको कितने अच्छे से चैप्टर समझ में आया. क्विज में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेते हैं जो चैप्टर्स या फिर अपार्ट फ्रॉम चैप्टर्स आपके बन सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. सबसे पहले है आपका, हैव यू एवर रिसीव्ड अ लेटर, क्या आपको कभी कोई लेटर मिला है. इफ़ यू हैव नॉट, अगर आपको नहीं मिला है, सी वॉट दिस चाइल्ड डिसाइडेड टू डू, तो देखिए इस बच्चे ने क्या डिसाइड किया है. ओके, स्टार्ट करते हैं पोएम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स. मोस्ट ऑफन व्हेन द पोस्टमैन कम्स, बहुत बार जब पोस्टमैन आता है विद लेटर्स लेके, टू और थ्री, दो या तीन जितने भी लेटर्स आते हैं, दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, वो या तो मेरी मदर के लिए होते हैं या फिर मेरे डैड के लिए होते हैं, बट नेवर वन फॉर मी. आपने भी हो सकता है कभी सोचा हो, वैसे तो पोस्टमैन का काम कम हो गया अब जब से आपके पास मोबाइल्स आए हैं, लेकिन पहले अगर आप देखते तो बहुत पोस्टमैन आते थे, आप लेटर्स लिखते थे लोग एक दूसरे को, तो बच्चे ऐसा सोचा करते थे कि सारे लेटर्स पेरेंट्स के लिए ही आते हैं, मेरे लिए लेटर क्यों नहीं आता. यहाँ पर भी बच्चा यही सोच रहा है. अब उसने एक प्लान बनाया, देखिए क्या प्लान है. आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो, अब क्या होने वाला है, अब मैं कुछ लेटर्स लिखने वाला हूँ. That's what I'm going to do. अब मैं यही करूँगा and then my friends will answer me. और मैं लेटर किसको लिखूँगा, अपने फ्रेंड्स को लिखूँगा. उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लिखते हैं जब आप लेटर लिखते हैं, और फिर लिखते हैं कि प्लीज़ रिप्लाई बैक, लास्ट में लिखते हैं ना कि तुम भी रिप्लाई करना. तो बच्चे ने वही सोचा कि मैं अब अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखूँगा और उसके बाद मेरे फ्रेंड्स मुझे राइट बैक करेंगे, मुझे लिखेंगे वापस, एंड आई विल गेट लेटर टू, और फिर मेरे लिए भी लेटर आने लगेंगे. इंटरेस्टिंग आइडिया है, मेरे लिए लेटर नहीं आते, पेरेंट्स के लिए आते हैं, तो मैं पहले किसी को लेटर लिखूंगा फिर वो मुझे लेटर लिखेंगे, तो इसी बहाने मेरे लिए भी लेटर्स आने लगेंगे. ओके, चलिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं. लेटर्स आपको पता होगा कोई न्यू वर्ड नहीं है, खत बोलते हैं हिंदी में इसको. ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, दो मतलब जबकि. ओके, तो ये आपके कुछ जस्ट, ये आपके कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे एज सच, और बहुत छोटी सी पोएम है. चलिए क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं सीधा. पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स फॉर, पोस्टमैन किसके लिए लेटर लेके आता था, तो हमेशा उसकी मदर या फादर के लिए लेटर्स लेके आता था. ओके, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, द पोस्टमैन ब्रिंग्स अ लेटर फॉर द चाइल्ड्स मदर और फादर, बच्चे के मदर या फादर के लिए वो हमेशा लेटर लाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर, क्या कभी बच्चे को कोई लेटर मिला, तो आंसर इज नो, द चाइल्ड नेवर गेट्स एनी लेटर, बच्चे को कभी भी कोई लेटर नहीं मिला, इसलिए उसने डिसाइड किया था क्या. अगला क्वेश्चन वही है आपका, व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू, बच्चे ने क्या करना डिसाइड किया, क्या करने की सोची. द चाइल्ड डिसाइडेड टू राइट लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स, उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखा करेगा. ओके, तो ये तीन आपके NCERT के क्वेश्चंस थे, आंसर्स आपको पता लग गए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू रिटन अ लेटर, क्या आपने कभी कोई लेटर लिखा है, आप यस नो लिखेंगे, ये आपके लिए हैं. हैव यू, सॉरी, हु हैव यू रिटन टू, आपने किसको लेटर लिखा है, आपने जिसको भी लिखा होगा, अपनी ग्रैंड मदर को, अंकल को, फ्रेंड को, वो आप लिख देंगे. एंड हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे, वाई, आप आज अगर लेटर लिखना चाहे तो आप किसको लिखेंगे और क्यों, सभी आपके लिए क्वेश्चंस हैं. ओके, नेक्स्ट इज, देवू हैज़ रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंड फादर थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे गिफ्ट, देखिए देवू ने अपने ग्रैंड फादर को एक लेटर लिखा है, उसके ग्रैंड फादर ने उसको गिफ्ट दिया होगा बर्थडे पर, तो उसके लिए वो थैंक यू बोल रहा है. तो लेटर जब भी आप लिखते हैं सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, हाउस नंबर 1792 दरियागंज न्यू दिल्ली 110007, ये आपका पिन कोड होता है. जब भी आप लेटर लिखते हैं तो पिन कोड ज़रूर मेंशन करना है उस पर, अदरवाइज लेटर आपका सही एड्रेस पर नहीं पहुंचेगा. तो सबसे पहले एड्रेस लिख दिया, फिर आप नीचे डेट लिखेंगे, 25th January 2006 को ये लेटर लिखा गया, डियर ग्रैंडफादर, थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी अच्छी पंचतंत्र की कहानियों की बुक्स भेजी है. पंचतंत्र स्टोरी बुक्स है, विष्णु शर्मा ने लिखी है, और इसमें जंगल स्टोरीज़ है बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी कहानियाँ होती है. यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे, आपको जानकर खुशी होगी कि मैं हर रोज़ एक स्टोरी पढ़ता हूँ, विद लव देवू. तो सिंपल सा लेटर है आपका, पहले एड्रेस लिखना है आपको, देन डेट, फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनका नाम, फिर लेटर लिखेंगे जो भी बातें आपको उसमें कहनी है, देन नीचे अपना नाम. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अब आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए, टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल,
उसको अपने स्कूल के बारे में बताइए. यू कैन यूज़ सम ऑफ द वर्ड, आपको ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं आप. क्लासरूम, चिल्ड्रन, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर, बिल्डिंग. स्कूल के बारे में बताना है तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके स्कूल में होती ही है. तो देखिए इसका लेटर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आप लिख सकते हैं, बाकी डिफरेंट भी हो सकता है आपका आंसर. हाउस नंबर लिखेंगे, रैंडम कुछ भी लिख दीजिए. सुभाष एन्क्लेव, न्यू दिल्ली, 110007. डेट लिखिए उसके बाद 20th August 2014, जिस भी डेट को आप लेटर लिख रहे हैं. डियर, उसके बाद आपके फ्रेंड का नाम, डियर रिया. ओके, होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद है कि तुम अच्छी होगी. आई हैव टेकन एडमिशन इन अ न्यू स्कूल, मैंने एक न्यू स्कूल में एडमिशन लिया है. आई हैव सो मच टू शेयर अबाउट माई स्कूल विद यू, मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं अपने स्कूल के बारे में शेयर करने के लिए तुमसे, तुम्हें बताने के लिए. इट हैज़ ए ह्यूज बिल्डिंग ऑफ वाइट कलर, इसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है वाइट कलर की. माई स्कूल हैज़ अबाउट 50 क्लासरूम्स, मेरे स्कूल में लगभग 50 क्लासरूम्स हैं. दे ऑल हैव अ ग्रीन बोर्ड इन इट टू राइट ऑन, सभी में ग्रीन बोर्ड्स हैं लिखने के लिए उनके ऊपर. द टीचर्स आर वेरी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, टीचर्स बहुत फ्रेंडली है और हेल्पफुल है. दे लव ऑल द स्टूडेंट्स इक्वली, वो सभी बच्चों को इक्वली बराबरी बराबर रखते हैं, इक्वली लव करते हैं. विजिट मी सून, जल्दी मुझसे मिलने आना. सो एज़ आई कैन टेक यू अलॉन्ग विद मी टू द स्कूल, जिससे कि मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल ले जा सकूँ. यू विल लव इट, तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा. विद लव, और निशा आपका नाम, सुशांत या फिर जो भी आपका नाम है. ओके, सो इस तरीके से आप लेटर लिखेंगे या फिर कुछ चेंजेस करके आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, बट फॉर्मेट यही होना चाहिए. नेक्स्ट में आपको कुछ ये एक लेटर एनवलप बनाने के लिए बताया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा क्या कैसे करनी है ये एक्टिविटी आपको. अब आगे आते हैं, लेट्स ट्राई मैचिंग ए विद बी. इधर आपको कुछ प्रोफेशनल्स के नाम दिए हुए हैं, इधर उनके काम दिए हुए हैं, आपको मैचिंग करनी है. तो चलिए शुरू करते हैं. पोस्टमैन, पहले पढ़ लेते हैं. पोस्टमैन, कॉबलर, लाइब्रेरियन, ड्राइवर, ड्रामेटिस्ट, अ टीचर, नर्स, म्यूजिशियन, एस्ट्रोनॉट, क्लाउन. और इधर काम है इनके, ड्राइव्स मोटर व्हीकल, टीचर्स इन स्कूल, लुक्स आफ्टर पेशेंट. ओके ओके, चलिए पोस्टमैन से स्टार्ट करते हैं. पोस्टमैन क्या करता है? पोस्टमैन आपके लिए पोस्ट्स लेके आता है, लेटर्स लेके आता है. ब्रिंग लेटर्स फॉर यू, और इसकी ओके बहुत नीचे दिया हुआ है, सबसे नीचे है एक्चुअली. तो इसको आप मैच कैसे करेंगे, एक सेकेंड थोड़ा छोटा करते हैं इसको. ओके, ऐसे मैचिंग होगी इसकी. चलिए अब ये हो जाएगी आपकी मैचिंग होगी ऐसे. पोस्टमैन को आप मैच कर दीजिए ब्रिंग्स लेटर फॉर यू यहाँ पर इसके साथ. ओके, नेक्स्ट है कॉबलर. कॉबलर जिसको आप मोची बोलते हैं, वो आपके शूज़ को मेंड करता है. तो इसका यह हो जाएगा यहाँ पर, मेंड आर शूज़. ओके, नेक्स्ट है आपका लाइब्रेरियन. लाइब्रेरियन आपके स्कूल्स में होते होंगे, वो लाइब्रेरी में वर्क करते हैं. तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी इसके साथ. लाइब्रेरियन को आप मैच कर दीजिए वर्क इन लाइब्रेरी के साथ. नेक्स्ट है ड्राइवर. ड्राइवर कोई भी व्हीकल को ड्राइव करता है, तो ये हो जाएगा ड्राइव अ मोटर व्हीकल. नेक्स्ट है ड्रामेटिस्ट, जो ड्रामा करते हैं आपके, तो इसमें हो जाएगा आपका ओके वेयर इज यस मेक पीपल लाफ, तो ये होगा मेंड आर शूज. प्ले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट. ओके, बाकी मैच करते हैं शायद ऊपर तो नहीं. ये राइट प्लेज, ओ सॉरी ये रहा ड्रामा जो लिखते हैं. राइट प्लेज, प्ले लिखता है ये, कोई भी नाटक लिखता है ड्रामेटिस्ट जो होते हैं आपके. ओके, नेक्स्ट है आपका अ टीचर. टीचर आप सबको पता होगा, आपको स्कूल्स में पढ़ाती है, सो टीचर्स इन स्कूल. नेक्स्ट इज नर्स. नर्स क्या करती है? पेशेंट्स जो मरीज़ होते हैं उनको लुक आफ्टर करती है, उनकी देखभाल करती है, सो लुक आफ्टर पेशेंट. म्यूजिशियंस क्या करते हैं? जो म्यूज़िक टीचर आपके इसमें या फिर जो कोई भी म्यूजिशियंस है, वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं. तो इसको आप इसके सामने ही मैच कर देंगे ऐसे. एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं? वो ट्रैवल करते हैं स्पेस क्राफ्ट में. एंड नेक्स्ट है क्लाउन. क्लाउन क्या करता है? लोगों को हंसाता है, सो मेक पीपल लाफ. ये रहा सॉरी यहाँ पर. ओके, सो ये आपकी मैचिंग होगी. इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा शायद से आपको, बट मैंने बता दिया, वैसे आप मैचिंग कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. सो दैट्स ऑल, ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स थे. बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटी सी पोएम है आपकी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी रेडी फॉर योर क्विज. ओके, थैंक्स अगेन.